खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। खबर 7C न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अमीषा पटेल। आइए ले चलते हैं और देखते हैं सुरेंद्र गुप्ता की यह बड़ी खबर। अपने पर्चे बता दीजिए। मैं हंसराज दुर्वे, राष्ट्रीय। किस प्रकार के आप लोग बैठक आज है बापू भवन में? ये बैठक चुनावी बैठक को लेकर है, कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया है, कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, चुनाव की रणनीति तय कर दी गई है। क्या आप लोग पार्टी से प्रत्याशी उतार रहे हैं क्या? हाँ, प्रत्याशी ये सुनील कुमार गोंड जी जो हैं। बलिया के किसको उतार रहे हैं आप? बलिया, यही सुनील कुमार गोंड जी हैं, बलिया से प्रत्याशी। सलेमपुर से? सलेमपुर से अभी नहीं पाए, दो दिन। पर्चे बताइए। मेरा नाम रामनाथ गोंड है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ गोंडवाना गठबंधन पार्टी उत्तर प्रदेश। पूरे उत्तर प्रदेश में कितने प्रत्याशी उतार रहे हैं? हमारे पूर्वांचल में करीब करीब 20-22 जिलों में हमारी प्रत्याशी उतरेंगे, और इसकी योजना हम लोग जिले में वहीं जाकर के अपने कार्यकर्ता कैडर के लोग जो हैं, और कार्यकर्ता के मनोभावना को देखते हुए, कार्यकर्ता जिसको अच्छा प्रत्याशी घोषित करेगा, हम कार्यकर्ताओं के बीच में ला करके अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे, ना कि हम कोई पैराशूट ला करके किसी भागे हुए प्रत्याशी को ला करके मैदान क्षेत्र में उतारेंगे। हमारे पार्टी का जो कर्मठ कार्यकर्ता होगा, हमारे कार्यकर्ता में जो सहमति बनेगी, किस मुद्दे पर आपकी पार्टी लड़ेगी चुनाव? हमारी पार्टी कई मुद्दे हैं सर, सबसे बड़ी हमारी मुद्दा है भारत। बताइए। मैं अरविंद कुमार गोंड उर्फ अरविंद गोंडवाना, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री व इंडियन पीपुल्स सर्विसेज IPS का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। किस प्रकार के आप लोग आज बापू भवन में बैठक है? आज गोंड राजा बलि की धरती बलिया के क्रांति मैदान टाउन हॉल बापू भवन में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कैडर सम्मेलन इस उद्देश्य के साथ रखा गया है कि बलिया लोकसभा क्षेत्र से और घोसी लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय रामनाथ गोंड जी और राष्ट्रीय सचिव माननीय हंसराज सिंह ध्रुवे जी की उपस्थिति में आज प्रत्याशियों का घोषणा किया जाना था। आज सम्मेलन में सर्वसम्मत से सुनील गोंड जी को बलिया लोकसभा क्षेत्र से और राजेश गोंड जी को घोसी लोकसभा क्षेत्र से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया, तय किया गया, निर्णय चुना गया। बताइए। मेरा नाम सुनील गोंड, प्रदेश उपाध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उत्तर प्रदेश एवं 72 लोकसभा सांसद प्रत्याशी। आज किस प्रकार के आप लोग बैठक? आज हम लोगों का एक सम्मेलन था, कार्यकर्ता सम्मेलन था, जो हम लोग अपने चुनाव के अपने हक की लड़ाई के लिए हम लोग मैदान में उतरे हैं, इसलिए हम लोगों का ये सम्मेलन था। आज की पार्टियां